नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। गांव में रहने वाले ग्रामीण वासी ध्यान से इस खबर को सुने। अभी तक सिर्फ नगर निकाय क्षेत्रों में मकान बनाने वाले लोगों को नक्शा बनवाना पड़ता था, मगर अब जिला पंचायत क्षेत्र में भी मकान एवं व्यवसाय गतिविधियों के कॉम्प्लेक्स के लिए नक्शा स्वीकृत करवाना होगा। सरकार ने ये भी घोषणा की है कि जो मकान पहले बने हुए हैं उन पे ये नियम लागू नहीं होगा। एक रिपोर्ट की माने तो लोग व्यवसाय के नज़रिए से ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनवा रहे हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको जिला पंचायत से नक्शा पास करवाना होगा और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताया गया होगा कि वर्तमान समय में बिहार में कुल 8,471 पंचायत हैं जिनमें बिहार में मौजूद हैं, लेकिन यह जानकारी पूरी तरह से गलत है। वर्ष 2020 के आखिर में बिहार के कई पंचायतों को नगर पंचायत में उत्क्रमित किया गया था, इसी कारण बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या घट गई है। नए डाटा के अनुसार बिहार में कुल पंचायतों की संख्या 8,397 है। आपको बताते चले कि बिहार में 38 जिलों में अब मुखिया एवं सरपंच के पद घट गए हैं। वहीं हम आपको बताते चलें कि अभी तक बिहार के ग्रामीण इलाकों में मकान बनाने पर रोक लगाने का कोई प्रतिबंध नहीं था, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब आप गाँव में ऊंचे ऊंचे मकान बनाने का सोच रहे हैं तो अब आपको नक्शा पास करवाना होगा। पंचायती राज विभाग ने कानून में संशोधन की तैयारी भी कर दी है। वह विभाग के पदाधिकारी का ये भी मानना है कि मकानों का नक्शा पास करवाने का अधिकार पंचायती राज कानून में नहीं है, इसको लेकर संशोधन किया जाएगा। यह अधिकार पंचायती राज के पास प्राप्त हो जाए इसके लिए विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे, जिसकी उम्मीद भी की जा रही है। कानून में संशोधन हो जाने के बाद नक्शा पास करने को लेकर नियमावली भी बनाई जाएगी। नियमावली में सारी शर्तें और अधिकार का विस्तार में उल्लेख लिखा जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।